नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश कुमार इंदिरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्वस्थवर्थ एंड योगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज इस ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत हम बीएमएस तृतीय व्यावसायिक के स्वस्थवर्थ विषय के अंतर्गत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के आसन पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की नियमित कक्षाओं में अपन ने योग शास्त्र के आचार्य, योग शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्ति, योग शब्द की व्याख्याएं, योग की परिभाषा, चित्त की वृत्तियां, चित्त क्लेश, पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद हैं, कितने सूत्र हैं प्रत्येक पाद में और किस पाद में क्या वर्णन है, चित्त वृत्ति निवृत्ति के उपाय, योग का विकास क्रम, योग का इतिहास क्या रहा, हठ योग एवं राजयोग का सामान्य परिचय, हठ योग एवं राज सिद्धि के लक्षण, योग प्रतिबंधक भाव, योग सिद्धिकर भाव, अष्ट सिद्धियां, चित्त भूमिया और अष्टांग योग के अंतर्गत यम एवं नियम का अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम आसनों का अध्ययन करेंगे। आसनों को दो कक्षाओं में मैंने विभाजित किया है। आज की प्रथम कक्षा में अपन पढ़ेंगे आसन का सामान्य परिचय, आसन की परिभाषा, आसन सिद्धि के उपाय, आसन सिद्धि का फल, आसन वर्गीकरण और नित्य आसन अभ्यास का प्रभाव एवं आसन संख्या। तो सर्वप्रथम अपन पढ़ते हैं आसन का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आसन। आसन किसको कहते हैं? तो आसन का जो सामान्य अर्थ है, दो अर्थों में अपन आसन को देखते हैं, एक बैठने की वस्तु और दूसरा बैठने का ढंग। बैठने की वस्तु अर्थात जिस पर बैठा जाए वह आसन है, जैसे आपकी दरी हो सकती है, चटाई हो सकती है, कंबल हो सकती है। दूसरा बैठने का ढंग, आप किसी भी स्थिति में बैठते हैं वो आपका आसन है। देन पर्याय, इसके सिनोनिम्स स्थिति बोलते हैं, शयन स्थिति है, अंग विन्यास, कायिक चेष्टा और हावभाव, ये इसके पर्याय बताए गए। देन पतंजलि योग सूत्र में आसनों को तृतीय स्थान पर रखा है। पतंजलि योग सूत्र में आठ अंग बताए गए हैं अष्टांग योग के नाम से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस तरह। तो आसन को तृतीय स्थान पर रखा गया। हठ योग प्रतिपिका में सर्वप्रथम ही आसन का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात आता है परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ आसन। तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, ये पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। स्थिर और सुख दो शब्द इस श्लोक में आए, दोनों श्लोक दोनों शब्दों को अगर ये एक साथ अगर अपन बात करें, एक साथ लें तो उसका अर्थ होगा स्थिर सुख दे और जो देर तक सुख दे, यानी वह आसन सही होगा जो आपको स्थिर सुख देता है और देर तक सुख देता है। और दोनों ही शब्दों को अगर अलग अलग व्याख्या की दृष्टि से अपन बात करें तो जो देर तक बैठ सके वह आसन ठीक होगा, जिसमें देर तक बैठ सके और वह सुख भी दे आपको, ठीक है। इसके बाद में आसन सिद्धि के उपाय, मेथड ऑफ आसन सिद्धि। आसन सिद्धि के उपाय में क्या करना होगा? पर्यटन शैथिल्य
अनंत समापत्ति भयम्। दो शब्द आए हैं इस श्लोक में, प्रियतन शैथिल्य और अनंत समापत्ति। प्रियतन शैथिल्य का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी और अनंत समापत्ति का मतलब है अनंत आकाश में ध्यान लगाने। अनंत समापत्ति का अर्थ यहां पर ध्यान लगाने से है। आसन सिद्धि का फल, रिजल्ट ऑफ आसन सिद्धि, ततो द्वंदा अनविगात। आसन का, आसन सिद्धि का फल होता है ततो द्वंदा अनविगात। अभिघात मतलब नाश, द्वंद मतलब जो सुख है, दुख है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, इनको सहन करने की शक्ति आप में आती है। आसन वर्गीकरण, टाइप ऑफ आसना। आसनों का सामान्य वर्गीकरण बताया गया शारीरिक स्थिति के आधार पर, दूसरा है मनोदैहिक प्रभाव के आधार पर, और तीसरा है रोग या चिकित्सा में उपयोगिता के आधार पर। शारीरिक स्थिति के आधार पर, बेसिस ऑफ फिजिकल पोजीशन, खड़े होकर यानी स्टैंडिंग पोजीशन में जो भी आप आसन करते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे सामान्यतः ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, वीरासन है। इसी प्रकार बैठकर भी कुछ आसन होते हैं, सिटिंग पोजीशन वाले आसन बोल देते हैं, सिद्धासन है, स्वस्तिक आसन है, भद्रासन है। पीठ के बल लेटकर आप करोगे तो सुपाइन पोजीशन, शवासन है, हलासन है, पवन मुक्तासन है। पेट के बल लेटकर करेंगे तो प्रोन पोजीशन वाले आसन, जैसे मकरासन है, सलवासन है, धनुरासन। तो मनोदैहिक प्रभाव के आधार पर, बेसिस ऑफ साइकोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट, तीन प्रकार से डिवाइडेशन अपन करते हैं। ध्यानात्मक आसन यानी मेडिटेटिंग, जिन आसनों को अपन ध्यान लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, यानी जिन आसनों में बैठकर अपन ध्यान लगाते हैं वो सब मेडिटेटिव आसन, जैसे सिद्धासन है, भद्रासन है, पद्मासन हो सकता है, स्वस्तिकासन हो सकता है, यानी जिसमें अपन बैठकर ध्यान लगाते हैं वो ध्यानात्मक आसन है। विश्रांतिकर या इनको शैथिल्यकर आसन भी कहते हैं, रिलैक्सेटिव, शवासन है, मकरासन है। इसके बाद है शरीर संवर्धनात्मक यानी कल्चरल, भुजंगासन, सर्वांगासन यानी ध्यानात्मक और विश्रांतिकर को छोड़ने के बाद में सामान्य आसन है वो शरीर संवर्धनात्मक है, जो शरीर में आरोग्य लाते हैं, बल को बढ़ाते हैं, शरीर में दृढ़ता लाते हैं, वो सब शरीर संवर्धनात्मक है। देन रोग चिकित्सा में उपयोगिता के आधार पर, बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस इन थेरेपी, मतलब विभिन्न रोगों में अपन आसनों को उनके चिकित्सार्थ प्रयोग करते हैं उस आधार पर। जैसे स्थूल में पश्चिमोत्तानासन है, त्रिकोण आसन है, सूर्य नमस्कार है। स्थूल में वे आसन लाभदायक होंगे जो आपकी एब्डोमन और थाई मसल्स पे जो प्रेशर डालते हैं, और देन ट्विस्टिंग वाले जो आसन है। देन मधुमेह में वक्रासन, मत्स्येन्द्रासन, मंडूकासन यानी आपके पैंक्रियास वाले पार्ट पे जो आपको प्रेशर डालते हैं या वहां से ट्विस्ट होते हैं, वो मधुमेह में कारगर। अजीर्ण, पवन मुक्तासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, इसी तरह ब्रह्मचर्य में सिद्धासन और पद्मासन। तो ये क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग डिजीज में अलग अलग आसन प्रयोग में लाते हैं, साइटिका में है, कटिशूल में है, अलग अलग। नित्य आसन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डेली प्रैक्टिस ऑफ आसन, यदि आप आसन का नित्य अभ्यास करते हैं तो शरीर में उससे क्या प्रभाव होते हैं। कुर्यात आसनम स्थैर्य आरोग्यम च अंगलाघवम, शरीर में स्थिरता आती है, शरीर आरोग्य को प्राप्त होता है, शरीर के अंगों में लघुता आती है, घेरण संहिता में ऐसा बताया है। इसके अलावा भी नित्य आसनों के प्रभाव कई होते हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव है, जो आपकी ग्लैंड्स हैं, थायराइड है, आपका पेंक्रियाज है, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके शरीर में पाई जाती हैं, एड्रिनल ग्लैंड है,
और भी जो ग्रंथियां हैं उन सब पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वो सुचारू रूप से अपना कार्य करने लग जाती है। चयापचयात्मक प्रभाव, आपके मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों एक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होती है नित्य आसन के प्रभाव से। शरीर क्रिया संबंधी प्रभाव, आपकी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है शरीर की वो बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नित्य आसन के अभाव से आपकी मेमोरी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास आप में आता है, तो ये सब नित्य आसन के अभ्यास के प्रभाव है। देन आसन संख्या, नंबर ऑफ आसन, तो गोरख संहिता है उसमें एक आसन बताया है सिद्धासन, योग चूड़ामणि दो आसन बताता है सिद्धासन और कमलासन, पद्मासन नहीं बता के ये कमलासन बताता है, योग कुंडल तीन आसन बताता है पद्मासन और वज्रासन। गहरण संहिता में 32 आसनों का वर्णन है, हठयोग प्रदीपिका में 84 आसनों का वर्णन है, ध्यान बिंदु उपनिषद असंख्य आसन बताता है और वास्तविकता में भी आसनों की संख्या असंख्य है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जितने भी द्रव्यभूत विषय हैं वो उनके अनुसार आसन असंख्य है। पातंजलि योग सूत्र में आसनों की संख्या का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट आसन के दूसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे श्रेष्ठ आसन कौन से हैं, आसन सिद्धि का काल क्या है, आसन नामकरण का आधार क्या रहा, आसन करने में क्या सावधानी आपको बरतनी है, आसनों के उपासन कौन से हैं, काउंटर पोज क्या है, काउंटर पोज उपासनों का महत्व क्या है, सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार के लाभ। अगर किसी छात्र के कोई भी कमेंट, कोई ओपिनियन या कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे मेल आईडी mahesh_ndr4@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9922831120 पर अवश्य भेजें। थैंक्स, धन्यवाद।